बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे काबरीन उम्मीदवार सभाई असेंबली बीपी 84, मेरे भतीजे, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, मैं तो पहली दफा इतने प्रोग्राम में हाजिर हुआ। मेरे साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिसेप्शन आई और बड़ी इंतजार तुसा भी की है, मैं नहीं की है। मैंने आख्या भाई तू शाम इतने आन पढ़नी, लेकिन बीच प्रोग्राम तुसा कि नहीं ना अकाबरीन ना बदल के था। मैं जो माड़े बंदे कहीं इतला ही नहीं दी। मैं दीगर का नूरपुर आया बैठा इस इंतजार इसके भाई नौ केड़े ले भाई से। तो मेरे भाइयों बुजुर्गो, इलेक्शन का ये माहौल है और साढ़े भाई अल्लाह ताला उन्होंने तरीके रहमत करे मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू साहब मरहूम, बड़ा अच्छा साड़ा साथ गुजरिया मेरे साथियों। मैं वागरा साहब तुसा गल की थाने कचहरी की, तुस गल की लोगों की तंगी की। इंशाल्लाह ये पूरे जेडे तुहाडे सामने किरदार सामने बैठे स्टेज उत्ते, ये हर उस गरीब आदमी के नाल हैं जिस किसी बंदे ने किसी वडेरे ने या किसी पुलिस के बंदे ने तंग किया, इंशाल्लाह साधु बध के वो तंग करे और साधु बध के हुआ सी। पहले असा बाद गरीब आवाम, ये जरा सा एक ग्रुप बने हुए ना जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये सिर्फ गरीब आवाम की आवाज है। ये जो लोग वडेरा इन्हें कोई भी नहीं। मकसद ये मेरे साथियों कि असा सियासत जी जिले के अंदर की या वारिस कल्लू साहब मरहूम ने की है, वो आवाम की सियासत की और गरीब आवाम की सियासत की मेरे साथियों। और असा उन्होंने एम पी एम एल ए चुना और अलहमदुल्ला साढ़े च कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जेडे तुसा के बंदे जिता के भेजे या हूँ जो कुछ होया पिछले इलेक्शन के अंदर मेरे साथियों तुम पता तो कोई कसूर नहीं, तो कोई गुनाह नहीं। तुसा वोट आसान दिते लेकिन गिनती आए जे लोग हैं उन्होंने असान हरवा दिता। सारी दुनिया जानती मेरे साथियों, चाहे वह शाकिर साहब हरे मलिक आसिफ भा साहब हरे या मैं हारा ये बीबी सुमैरा हारी, ये अस हारे ना जेडे बंदे नहीं मान सके पोलिंग बूथन के नाल बन के और अपने आर ओ के दफ्तर, उन्होंने रिजल्ट अच्छे नहीं आए। मलिक वारिस कल्लू माशाल्लाह तगड़ा आदमी आए, रात तो आप पता कि रात उन्होंने हरवा लिता गया और उन्होंने साथियों के घर उत्ते बट्टे मारे गए, उन्होंने शीशे तोड़े गए, लेकिन उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और सवेरे उस आखिया जी ठीक है मैं हार गया, मेरे सामने थैले खोलो और थैले जेड़े खुले मेरे साथियों तो जीते हुए हैं। इसे तरीके सारी सीटा जीती हुई और मैं उन्होंने वडेरियां भी ये मेहनत कर सके साढ़े गरीब किसी साथी तंग ना पै कर, ये ना हो जाए तुम तंग करना शुरू कर दो। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करन नाल इस मामले के सानू कोई मैं मुबालगा रही ना पै करता कि साड़ी सियासत ही गरीब आवाम की सियासत रेड़ी दी टांगे दी छोटे दुकानदार की। मेरे साथियों असा हमेशा गरीब का साथ दिता और गरीब के नाल खड़ोते हैं और इन्हें गरीबों की वजह तू एक आम मलिक वारिस कल्लू जेड़ा बैगे आता मरू तू कलू आले भाण का कल्लू है और तू बड़े बड़े लोगों हरा के मतलब खुदा बख्श टिवाने के लोगों हरा के गया बैठा अलहमद पड़ा। मैं पांच साल मेरे साथियों मलिक आसिफ गवाह है, पांच साल में मेहनत की थी उस शख्स नाल आठ तू तेरह तक के भाई तू मेहरबानी कर ये टिवाणा ग्रुप छोड़, लेकिन उस आखिया यार नहीं मैं जब तक वो मैं नहीं छुड़ी दे मैं ना छुड़ी तू अवाणन छोड़। मैं आखा मैं तो मुंडू जी ने मतलब खुदा बाग छोड़ने के खिलाफ हाँ, मैं अवाणन छोड़ के बाद मैं कि लेकिन उस शख्स ने नहीं छोड़ा, इन्हें आप छोड़िया इन्हें आप ज्यादती की थी। और उस तो बाद वो अलहमदुल्ला वो शेर का बच्चा वो आ गया और वायद वो सियासतदान है जिस पांच साल पूरे वो भी किए और चौथी दफा भी अल्लाह ने उन्होंने टाइम नहीं दिता मेरे साथियों और कुछ मेरा हल्का हो आ गया थाना मिठा टवाणा दी पांच यूनियन काउंसिल उन्हें जो काम नहीं कर सकया चूंकि अपोजिशन अपोजिशन का जो किरदार हूँ साढ़े मुल्क के अंदर वो कोई ठीक नहीं गाँव, चाहे साड़ी हुकूमत हो चाहे इन्हों की हुकूमत है मेरे साथियों, अपोजिशन कोई शायद नहीं लगती। और जो काम मतलब मरूम इतने करके गया मेरे साथियों असा तो रीस करी नहीं आ गए यार एडा वा हल्का और पता नहीं किस तरह सामी रखा
कमाल शख्स है इस उम्र के अंदर मेरे साथी कि वो इतने पहुंचता है। मैंने एक दफा एक अगले स्टेशन से गिन गया मैनू बुराने आना, मैं क्या मलिक साहब मैं बात कोई नहीं आना एडा लंबा रास्ता रस्ते से कोई आबादियां नहीं और अखीर दूते मैं क्या भाई तेरी हिम्मत है। वो मनाते हैं भाई तू बड़ा खुशकिस्मत है तेरे भरा जेड़े वो खुशी गमी के उत्ते अपने दिन और तू उत्ते बैठा हूं लाहौर ते मैं अपने बच्चे नू इस पासे नहीं लाया मैं आप ठीक बता असा हूं बहन आई मेरे साथी उन्होंने गोडिया का ऑपरेशन करावन मेरे नाल उन्होंने टाइम आई कि यार इस्लामाबाद भी सा तू मेरे नाल आवे मैं क्या मैं जरूर तेरे नाल आ सा अल्लाह ने मौका नहीं दिता। बड़े दुखी हाँ मेरे साथी हो चंगे संगी नहीं मिलते और मेरी तुहानू ये इल्तजा है मेरे साथी हो कि उदी कबर नू असा नहीं शर्मावना इंशाल्लाह असा उस रात अल्लाह के फजल करम नाल उस ईमान की मुबारक देनी है कि तू पंजी दफा भी जीत गए। मेरे साथी हो अज ये टाइम है कि तुस हालात वेद पे हो साडे मुल्क के अंदर किस किस्म के हालात हो गए महंगाई कितने चली गई है मेरे साथी गरीब गरीब तर हो गया और वो जेडे चंद टोले अमीर अमीर तर होंगे वैने सफेद पोश की भी कोई हालत नहीं मेरे साथी गरीब तो बेचारा उपे ही मारा गया आज आज टीवी के उत्ते लैणा वेदे पैन के जी चीनी लगती पई और एक बच्चा फेसबुक के उत्ते आया खड़ोता है उस आख्या जी मैं दो घंटे इंतजार किया जिसल मैं चीनी वाली जगह पर पहुंचा दुकान के मूंह के उत्ते तो उन्हें आख्या तेरा शनाख्ती कार्ड कोई नहीं वो वापस चला गया। मेरे साथियों इस तरह साडा मुल्क है चीनी साड़ी पैदावार इतों की कणक सारी पैदावार है इतों की इतों चाह के तो उन्हें बाहर बेच दी थी बारू बहुत महंगी वो ही चीज़ा बहुत महंगी है घेर के आए ये किस किस्म के लोग हैं और किस किस्म के हुक्मरान हैं मेरे साथियों कि आउना ना सा वोट दिसा सवाल ही नहीं पैदा होगा कि इंशाल्लाह वोट जेड़ा 5 तारीख को शेर के निशान के उत्ते इंशाल्लाह गरीब आवाम का हो सके। मेरे साथियों 5-4 बंदे 6 बंदे हैं जेड़े चीनी चोरी करके लै गए अपना हिस्सा वजीर आजम साहब ने देख के ते वो गए जी उस तो बाद आटे वाले आ गए आटा उन्हें चोरी करके अपने पैसे खान साहब आते मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ उन्होंने दे के मेरे साथियों ते ओ पासे हो गए पेट्रोल वाले रात एक रात के अंदर 25 रुपए पेट्रोल बढ़िया मेरे साथियों और किवे पेट्रोल आ गया पेट्रोल इन्होंने काबू की रखा और 25 रुपए एक दम बढ़िया और वो अरबपति होके हूँ आ दें वो चोर आए वो अपना पैसा दे के हिस्सा और चुप करके निकल गया। दवाइया 600 गुना बद गई मेरे साथियों और उस तो बाद जी वो जी बंदा असा कट दिता वो यार सानू तो नहीं छोड़ के तुसा रख दिता ना वो बंदे कितने बंदे गए और बंदे जेडे तुसा नप के बहाए हुए मियां नवाज शरीफ मियां शबाज शरीफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके और जिन्हें तुते साबित है उन्होंने तुसा एनआरओ आधारा ना वजीर आजम साहब उन्होंने तुसा कट के अपने मुल्क तो बाहर कट दिता मिनिस्ट्रियां बटेंदे रहते हैं कि जनाब तू एडे लगा तो मैं उन्हें लगा दसो तुसा ये बंदे तुहाड़े वेखे फाते पीपल्स पार्टी की हैं मुशरफ दौर की हैं इन्हें केड़े कमाल करने मेरे साथी वो ही मिनिस्टर बैठे और गल ये मेरे भाईओ बजुर्गो अज का ये टाइम जरा गुजरता पाया ना तो कोई शर्म कोई कोई सू कोई फायदा होंगे पाया कोई अखलाकी कोई सू फायदा होंगे पाया बच्चे की तालीम जाया होती पी है मेरे साथी अब इतने कितने हूँ करोना है कुछ भी नहीं है स्कूलों में करोना मसीतों करोना एक केड़ी लाभी बना के ये सारे मुल्क किसी पास दीदी ना और अल्लाह ताला ये माफ करे ऐसी मुझी मर्जा तो मेरे साथी अब बड़ा दुख लगा के लाहौर के अंदर तरीके लबैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बंदे और पुलिस ने आपस में वो लड़ाई हुई और कुछ पुलिस के बंदे कल परसों शहीद हुए बड़ा दुख होया अज उलमा के बंदे शहीद हुए। मेरे साथियों अज केड़ा मुसलमान है जेड़ा हजूर की शान नौज़ बिल्ला कोई गुस्ताखी करे ते असा मार मिट ना मिला असा ते उन्होंने गुलाम मेरे साथी और आज अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना होते तो मेरे अल्लाह ने आख्या मैं ते ध्यान ही दो में तेरे आस्ते बना उन्हां दी ते कोई मतलब मिसाल ही नहीं लाल मस्जिद इसकी होया आज की होया मेरे साथी हो बड़ा बड़ा दुख होगा यकीन रखो कि ऐसा किसी के बारे जोर गाल कोई ना करना चाहे लेकिन देखो तुसा इमरान खान साहब तू बंदे शहीद करवाई है ना और किस तरह का साड़ी मईशत तू तबाह की ना और के असा
ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦਿਸਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਇਹ ਆਮ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਪਰਚੀ। ਇਸ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਦੇ ਈਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਐਸੀ ਹਕੂਮਤ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੋਟ ਦਿਸਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸਨੂੰ। ਇਹ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਆਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ? ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ। ਕਿਆ ਅਸਾਂ ਉਸ ਡਗਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਾੜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਂਦੇ ਉਹ ਲਾ ਮਾਲਾ ਮੌਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਲਾ ਜੀ ਤੇ ਵਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਪਹਿਣਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਜਮਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਪਰਖਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਕਰੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਨ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਪਰਖਸੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਮ ਕੱਲੂ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਮੰਗੂ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਪਰਖਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਸਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਖਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਖਾਨੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਲਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ਮ ਜਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਬਹਿਸੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ, ਮੈਦਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਜੇ ਮੌਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਥੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦੇ? ਨਾ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਕਹਿ ਜਿੱਤਣਾ ਕਹਿ ਹਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਹਲੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਸ਼ਾਹਲੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਉਲਾ ਇਸ ਫੈਲ ਵੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਆਖੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੌਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਹਮਾਰੇ ਕਾਸੇ ਭਾਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੀਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸ਼ਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰ ਮਿਲਾਈ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਕਿਹੜੀ ਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਭ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਬਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਤਾਹਿਰ ਰਜ਼ਾ ਬਕੂਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਫੁਕਲ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਰ, ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਾਦਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਂਚ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਏਸੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖੀਂਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੋਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਿੱਛੂ ਸਾਈ ਆ ਗਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਉਹ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ।
अच्छा साड़ी मुस्लिम लीग की क्यादत यार ये सारे बहुत बुरे आदमी ये सारे पाकिस्तान जेडे इन्हें बैठे जेडे तुहाड़ियां जेबां खाली करके चले गए खून तुहाड़ा पी के चले गए उन्होंने कोई नहीं पूछता ते जिन्हां अवाम ने काम किए अवाम की खिदमत की वो जेलां च पैंदे उन्होंने मुल्क बदर कर दिता गया मेरे साथी लेकिन इंशाल्लाह ये दौर बदल सी सदा इकतदार अल्लाह दा मेरे साथी हो हमेशा उसने रहना और किसे नहीं रहना इमरान खान साहब तुसा नहीं रहना असा इंशाल्लाह रहना जब तक असा इत्थे हां ना जिंदगी है साड़ी ये तू बात नहीं इकतदार चाह सकता नवाज शरीफ ते त्राय दफा कर गया ना शबाज शरीफ सात दफा कर गया पहली ये पहली ते आखिरी बार है तनु लोगों ने पहचान लिया मेरे साथी मैं आखिर दे इस दुआ और इस इल्तिजा दे नाल के अल्लाह ताला साडे मुल्क च खरियत रखे तुहाडे साडे घरां च खरियत रखे ये तुहाडा साडा प्यार जिहड़ा है सलामत रहे पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ शाह वाला अल्लाह